हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीविद्या एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। तो हम आज हम देखने जा रहे हैं लासो टूल। तो लासो टूल का यूज़ क्या होता है और लासो टूल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आज हम लासो टूल देखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर में। तो लासो टूल जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है क्यू। तो आप क्यू प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। यू कैन प्रेस क्यू फ्रॉम योर कीबोर्ड और यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट फ्रॉम योर माउस। सो बिफोर सिलेक्टिंग आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ शेप ओवर टू दिस कैनवास। सो यू कैन प्रेस एम फ्रॉम द कीबोर्ड और डायरेक्टली सिलेक्टेड फ्रॉम हियर। और इफ यू वॉन्ट सम अनदर शेप सो यू कैन क्लिक ऑन टू द ड्रॉप डाउन ट्राइंगल एंड देन हियर इज अ लिस्ट रेक्टेंगल टूल राउंडेड रेक्टेंगल टूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट ओवर हियर। सी नाउ एक रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। आफ्टर दैट व्हेन आई ड्रॉ रेक्टेंगल हियर आई एम गोइंग टू प्रेस क्यू फ्रॉम द कीबोर्ड टू सिलेक्ट द लासो टूल। अब मुझे जो भी कॉर्नर और जो भी एंकर पॉइंट चाहिए उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट अब जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया अब यहाँ से मुझे एंकर पॉइंट्स को कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल गया कि मैं यहाँ से इसे एंकर पॉइंट्स को कॉर्नर में तो है ही उसको कर्व्ड कर सकती हूँ। तो सी कुछ इस तरीके से कर्व्ड कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँ। अभी वाइट है और जैसे ही मैंने इस पर किया तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया ब्लू। सी जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ये ब्लू आ गया यहाँ पॉइंट और यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है तो कैसा है, वाइट है। अगर मैंने यहाँ पे लासो टूल का यूज़ कर दिया, अगर मैंने यहाँ लासो टूल का यूज़ कर दिया तो सी यहाँ पे भी ब्लू हो गया। अगर अभी भी वाइट है और मैंने यहाँ पे लासो टूल का यूज़ कर दिया तो क्या हो गया, ब्लू हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो ये वाला सिलेक्टेड हो गया। अब मैंने यहाँ से जो इसका सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट की होती है वो बी होती है और हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट की होती है वो ए होती है। तो मैंने ए किया और यहाँ से मुझे चेंज करना है कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ से चेंज कर सकती हूँ जो मैंने कॉर्नर सिलेक्ट किया है कुछ इस तरीके से। एंड देन फिर से मैंने लासो टूल का यूज़ किया और अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। एंड देन यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, इसे कन्वर्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। एंड देन अब मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा इस तरीके से। ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, इसे भी रिमूव कर दें तो इसे भी रिमूव कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसे भी रिमूव कर दें तो इसे भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारा हमारा रिमूव हो गया। अब हम फिर से एक शेप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये देखो ये मैंने इसी से ही बना के रखे हुए हैं सारे शेप्स। तो हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से और हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से कॉर्नर बना देते हैं। ये कॉर्नर वाला है क्योंकि हमने यहाँ से इसको कॉर्नर बना लिया। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब हम इस वाले लासो टूल से क्यू प्रेस करके इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ए दबा के हम यहाँ पे प्रेस रख के यहाँ पे रख के यहाँ एक कॉर्नर बना देते हैं।
और फिर यहाँ से रिमूव करके कुछ, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्यू सिलेक्ट करके हमने लासो टूल से सिलेक्ट किया एंड देन ये सिलेक्टेड हो गया हमारा। बाकी तो सब वाइट है पर लासो टूल से जो हमने बनाया है वो सिलेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से बन गया। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस वाले एंकर पॉइंट को कॉर्नर से कर दें तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं एक काम करती हूँ, उसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देती हूँ लाइक दिस एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर से एक काम करती हूँ, क्यू प्रेस करती हूँ और यहाँ पे ये इन दोनों को लेके हम यहाँ पे कर्व ले लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से, अभी हमें यहाँ पे लाना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये है ना, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसे और यहीं से हम कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गया कि सब इस, ये हमारा यहाँ पर हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करके हम ये कुछ इस तरीके से हम ये शेप दे सकते हैं। सी सी तो हमने कुछ इस तरीके से ये शेप ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं, कुछ ये कलर फिल कर लेते हैं हम इसमें, ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट करके ये कलर फिल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो हमारे ये कुछ इस तरीके से बन गए। हम इसे और भी चेंज कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं इसमें। तो एक तो हमने ये शेप ड्रॉ कर लिया, फिर क्यू टूल सिलेक्ट करके अगर हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम इस वाले को या ये वाले को हम सिलेक्ट, अभी हमारे पास कोई सिलेक्टेड नहीं है, कुछ इस तरीके से है। क्यू टूल प्रेस करके मैंने लासो टूल ले लिया एंड देन यहाँ पे मैंने लासो टूल का देन हमने ए सिलेक्ट किया और इस सिलेक्टेड पार्ट को हमें किस तरीके से स्ट्रेच करना है वो हमने देख लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमारा ये हैंडल है, इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं राइट। यहाँ से भी हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को भी हम सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। सी तो ये हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, तो हम शेप को रिफॉर्म कर सकते हैं जिस तरीके से भी हमें बनाना है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ, ग्रीन कर देती हूँ तो भी अच्छा लगेगा। सी हमने ग्रीन कलर ले लिया। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर लेते हैं या फिर ऑल्ट प्रेस करके ये डबल दिख रहा है एरो और ये बन गया है। अब हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रेड यूज़ कर लेती हूँ, देन ये तो हम यही रहने देते हैं। आफ्टर दैट इस वाले में मैं यूज़ कर लेती हूँ ये पिंक कलर, ओके एंड देन इसके बाद मैं ये यूज़ कर लेती हूँ येलो कलर, लाइक ये येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, डार्क लग रहा है, ब्राइट वाइब्रेंट कलर ले लेती हूँ मैं ये डार्क, ओके। तो लाइक दिस यहाँ पे लेयर आ जाती है। अब हमने
इससे सेट कर लेते हैं। पहले तो हम इसे सेट करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं सब। देन इससे हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन फिर कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। एंड देन फिर कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से सी। तो हमने कुछ इस तरीके से ये डिजाइन कर लिया सी। हम चाहते हैं तो इसे हम ग्रुप कर लेते हैं, राइट। तो अब वी आर एबल टू मूव इट